बॉलीवुड एक्टर राजीव कपूर दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से बॉलीवुड जगत शोक में है। राजीव राज कपूर के सबसे छोटे बेटे और ऋषि रणधीर कपूर के भाई थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम सेलिब्रिटीज उनके घर पर पहुंचे और देर शाम राजीव की अंतिम यात्रा निकाली गई। रणबीर कपूर ने अपने चाचा की अर्थी को कंधा दिया। कई सेलिब्रिटी अंतिम यात्रा में नजर आए। तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कपूर परिवार के सभी सदस्य उनके घर पहुंचे। करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर, शाहरुख खान, आलिया भट्ट, तारा सुतारिया समेत कई अन्य स्टार्स राजीव कपूर के घर नजर आए। चाचा राजीव की मौत के बाद करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर उनके घर के बाहर लोगों से मिलते दिखे। आलिया भट्ट मालदीव्स में वेकेशन पर थी, पर इस दुखद खबर को सुनकर वो मालदीव से वापस लौटी। मुंबई पहुंचने के बाद आलिया राजीव कपूर के घर पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। राजीव को श्रद्धांजलि देने अनिल अंबानी भी पहुंचे। वे परिवार वालों से मिलते और उन्हें सांत्वना देते नजर आए। शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान के साथ राजीव के घर पर नजर आए। तारा सुतारिया, अनु मलिक, प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद, नील नितिन मुकेश भी कपूर खानदान की दुख की घड़ी में शामिल हुए। 58 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से राजीव कपूर का निधन हुआ। राजीव कपूर ने हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता, प्रोड्यूसर और निर्देशक काम किया था। फिल्मी सफर की बात करें तो उन्होंने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म एक जान है हम से सिल्वर स्क्रीन पर बतौर अभिनेता डेब्यू किया था। साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राजीव ने लीड रोल प्ले किया था। इसी फिल्म से राजीव कपूर को पहचान मिली थी। ये फिल्म हिट रही थी। इसके अलावा राजीव कपूर ने आसमान, लवर बॉय, जबरदस्त और हम तो चले परदेश जैसी फिल्मों में भी काम किया था। न्यूज़ तक ब्यूरो।